गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, फाइनली जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे वो आ गया, यानी एनटीए ने नेट जेआरएफ एग्जाम का फर्स्ट फेज का शेड्यूल जारी कर दिया। बच्चों, नोटिस आपके स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। बच्चों, नोटिस देखिए आपके स्क्रीन पे, ये देखिए बच्चों, नोटिस में है कि 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी एंड 24 फरवरी 2023 तक का जो एग्जाम है वो उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, वो अवेलेबल है एनटीए के वेबसाइट पे, आप यहां से भी जाकर ले सकते हैं। हालांकि इस क्लास में मैं इसको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं कि 21, 22, 23 एंड 24 को कौन कौन सा एग्जाम है। बच्चों, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। बच्चों, चलते देखते हैं कि 21 तारीख को कौन कौन सा पेपर है। बच्चों बच्चों, आप लोगों की स्क्रीन पे आप देखिए, यहां पे आपके स्क्रीन पे 21 तारीख से पेपर स्टार्ट है। बच्चों, 21 तारीख को स्टार्ट है पहला पेपर, यहां पे है फ्रेंच, हिंदी स्टडी, फोरेंसिक साइंस, पर्शियन, रशियन, सोशल मेडिसिन, जापानीज वगैरह वगैरह। 21 तारीख में आप देख सकते हैं वुमेन्स स्टडी, 21 तारीख में 21 पेपर है। बच्चों, 21 तारीख में 21 पेपर है। इसके बाद देखते हैं 22 तारीख में कितने पेपर हैं। बच्चों, 22 यहां से स्टार्ट है। बच्चों, 22 यहां से स्टार्ट है, यहां तक ये देखें, 22 यहां से स्टार्ट है और ये है पॉपुलेशन स्टडी, यानी 22 से लेकर के 40 तक, जिसमें आपके पास फोक लिटरेचर, मलयालम, डोगरी, काश्मीरी वगैरह वगैरह करके यहां पॉपुलेशन स्टडी तक है। बच्चों, 21 और 22। अब 23 तारीख को देखिए, 23 तारीख में 41 में लिंग्विस्टिक, राजस्थानी, सिंधी, म्यूजिक, और इसके बाद देखिए यहां पे 22 क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस स्ट्रेटजिक स्टडी, नेपाली एंड ये संस्कृत ट्रेडिशनल वगैरह वगैरह जो भी है इसमें है। बच्चों, यहां पे इसके बाद टूरिज्म है, कंपेरेटिव लिटरेचर है, ये 23 तारीख तक यहां तक है। बच्चों, यहां तक आप देख सकते हैं। इसके बाद 24 तारीख में विजुअल आर्ट, एडल्ट एजुकेशन, चाइनीज, स्पेनिश, फिलोसफी एंड बंगाली। तो मतलब ये कि एनटीए ने चार दिन के लिए 21, 22, 23 एंड 24 के लिए डेट शीट जारी कर दिया। जिस तरीके से मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि एग्जाम होना है, इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है, तो आज उसका प्रूफ भी आपको मिल गया। तो मेरा जो रिसर्च होता है बच्चों, मेरा जो रिसर्च होता है मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है और बहुत सारे रिसर्च के बाद मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो बच्चों, आप लोगों से एक ही गुजारिश है अगेन कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।